इंस्ट्रूमेंट्स देखो हम लोगों ने जो पॉलिटिकल विजन में उस दिन जो पढ़े थे एक सब्सिडरी अलायंस नाम की पॉलिसी पढ़े थे, तो मैंने उसको बताया था सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था कि वो जो है रिचर्ड वेल्सली ने लाया था, ठीक है, और उसमें उन्होंने क्या किया था सब्सिडरी अलायंस में कि मतलब वो एक समझौता होता था जिसके साथ क्या है कि अगर वो अलायंस यानी मैंने समझा था एक समझौता होता है जिसमें अगर कोई राजा के साथ अगर वो कर रहा है, ठीक है, अगर प्रतिशत लोग कोई है तो राजा के साथ वो सब्सिडरी अलायंस साइन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि जो राजा की जो आर्मी है, ठीक है, वो किसकी रहेगी, मतलब प्रतिशत द्वारा अपॉइंटेड रहेगी और उनका जो एक कमांडर होगा वो मेन क्या होगा ब्रिटिशर्स होगा, और वो कमांडर क्या करता था कि जितनी भी मतलब अगर राजा अगर उनके खिलाफ जाने वाला था वो पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता था, ठीक है। आगे जो है अब क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स पॉलिसी, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स पॉलिसी जो है वो किसने लाया था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, तो ये जो लॉर्ड डलहौजी है इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स पॉलिसी लाया था और सबसे ज्यादा जो विस्तार किया है मतलब इसने इंडिया में मतलब सबसे ज्यादा जो है ब्रिटिशर्स के अंडर में जो मतलब लाया है वो है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, मतलब इसकी कुछ ऐसी पॉलिसीज रहती थी, ठीक है, इसकी मतलब जो कूटनीतियां रहती थी वो ऐसी रहती थी कि वो क्या करता था कि मतलब कुछ ना कुछ नई नई पॉलिसीज लाला करके जो है वो अपना जो साम्राज्य उसका विस्तार करते रहता था, उसी में से एक पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स पॉलिसी, ठीक है। तो इस पॉलिसी में क्या होता था कि अगर कोई भी राजा जिसका रियल बेटा नहीं है एक तरीके से, ठीक है, या फिर किसी ने तो क्या किया गोद लिया है, ठीक है, कोई लड़के को जैसे अगर जैसे झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किए थे कि मतलब वो जो उनका जो लड़का था, ठीक है, मतलब झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है उनके जो हस्बैंड थे गंगाधर राव की मौत होने के बाद क्या हुआ था कि उन्होंने एक जो है मतलब लड़के को एडॉप्ट करी थी, तो जब उनकी मौत हो गई थी गंगाधर राव की तो ये जो डलहौजी है इन लोगों ने क्या बोले थे कि आप जो है इसको राजा नहीं बना सकते, ठीक है, आराजन, तो उन्होंने मतलब इन लोगों ने बोले थे कि अगर आपका कोई एडॉप्टेड सन है तो वो राजा नहीं बनेगा, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा वो इनके अंडर में आ जाएगी वो टेरिटरी, ठीक है, मतलब वो साम्राज्य जो पूरा क्या कर लेते थे ये लोग हड़प लेते थे, ठीक है। तो ये जो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स पॉलिसी, मतलब जिसका भी अगर राजा का बेटा मतलब अगर रियल बेटा नहीं है, ठीक है, अगर एडॉप्टेड सन है तो वो क्या करेगा कि जो एडॉप्टेड सन है उसको राजा नहीं बनने देते थे, वो लोग उनकी जो टेरिटरीज है उनको अपने अंडर में लेते थे, ठीक है। दूसरी बात जो मतलब इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, जो भी नवाब का जो टाइटल होता था, ठीक है, अगर कोई नवाब जो है जैसे अवध का जो नवाब था, ठीक है, सुजाउद्दौला, तो उनसे क्या वो करेंगे ये लोग कि नवाब का जो टाइटल है वो छीन लेते थे, ठीक है, मतलब अगर ऐसा उनके साथ में अगर कुछ लड़ाई वड़ाई हो गई है या ये लोग हार जाते हैं तो उसके बाद क्या करते थे ये लोग कि नवाब का टाइटल छीन लेते थे, तो नवाब का टाइटल छीन लेने के बाद क्या हो रहा था कि एक स्टेबिलिटी जो है वो वहां पर नहीं बन पा रही थी, मतलब लोग कंफ्यूजन में थे कि अब नवाब कौन है, ठीक है, मतलब एक तरीके से लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था कि एक ड्यूल गवर्नमेंट जो है वो चालू कर दिया, ठीक है, मतलब इन लोगों ने क्या किया था ड्यूल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जैसे बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था कि इन लोग हार गए थे एक तरीके से नवाब को, तो इन लोगों ने क्या किया कि अब जो है बस आप जो है गद्दी पर बैठेंगे लेकिन नाम जो है वो किसका होगा हमारा होगा एक तरीके से, ठीक है। तो ये एक तरीके से इन लोगों ने क्या करे थे कि इंस्टेबिलिटी जो है वो वहां पर ला दिए थे, तो ये इंस्टेबिलिटी होने के कारण भी जो है इसकी जो मतलब जो भी नवाब लोग थे वो सब क्या हो रहे थे अब इन लोगों से चिढ़ने लगे थे, तो ये सब सारे जो है पॉलिटिकल रीजंस है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस है जैसे वो फिर उसके बाद क्या हुआ था कि जो लास्ट जो मतलब बहादुर शाह जफर जो सेकेंड था, ठीक है, बहादुर शाह जफर ये जो है बहादुर शाह जफर सेकेंड ये जो है लास्ट मुगल एम्परर थे, तो ये जो है ब्रिटिशर्स लोग भी क्या करते थे इसके एक तरीके से रेस्पेक्ट नहीं करते थे, ठीक है, तो इसकी रेस्पेक्ट नहीं करते, तो इसके जितने भी मतलब फॉलोअर्स थे एक तरीके से या जो भी राजा महाराजा थे वो सब क्या कर रहे थे कि एक तरीके से मुगल लोगों ने उनको क्या करे थे आपस में बांध रखे रहे थे, तो जैसे ही बहादुर शाह जफर की जो है इन लोगों ने मतलब इसके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचना चालू किया, तो इसके बाद क्या हुआ कि इसके इससे रिलेटेड जो भी लोग थे इसकी जो भी मतलब नवाब लोग जो भी थे या जो भी एम्परर थे जो भी रूलर्स थे जो इसकी रेस्पेक्ट करते थे उनके साथ भी जो है ब्रिटिशर्स लोगों की क्या हो रही थी अब बनती पा रही थी, ठीक है। तो इसके कारण भी क्या हो रहा था कि लोगों ने मतलब एक जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है गुस्सा जो है वो उमड़ रहा था। फिर उसके बाद क्या था कि इन लोगों ने जो जमींदार लोग जो थे, ठीक है, जमींदार लोगों को क्या किया था कि कुछ मतलब इन लोगों ने इनको अधिकार दे दिए थे, जैसे इन लोगों ने जमींदारी सिस्टम लाए थे जैसे इस्तमदारी हो गया, ठीक है, तो ये सारे सिस्टम लाए थे, तो इन लोग क्या करते थे कि ये जो जमींदार लोग रहते थे ना उन लोगों से क्या करते थे अच्छे संबंध बना लेते थे ब्रिटिशर्स लोग। तो जैसे एग्जाम्पल के अगर मैं बताऊं तो एक गांव है जैसे,
तो वहां पर जैसे 50 किसान है, ठीक है, अब 50 में से जो 40 से 45 किसान जो है वो छोटे टाइप के, और जो 5 किसान है लगभग वो बड़े टाइप के, तो ये जो 5 किसान है इनको क्या कर देते हैं ये लोग कि ये जो 40 किसान है इसमें से तुम क्या करोगे इनको अपनी जो जमीन है एक तरीके से किराए पे भी दोगे, और दूसरा जो है जो भी इनका टैक्स रहेगा वो तुम वसूलोगे, और इनको क्या बोल दिया जाता था कि एक फिक्स अमाउंट जो है तुमको हमको महीने में पहुंचाना है और वो वापस करना है, ठीक है। तो ये इनके साथ जो है इनके साथ तो संबंध इनका अच्छा हो रहा था जो जमींदार जो बड़े जमींदार थे, लेकिन जो छोटे किसान थे वो भी उनके खिलाफ क्या हो रहे थे, चिढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है फूट करके कहां सामने आती है, 857 के रिवॉर्ड के तौर पर जो है वो सामने आती है, ठीक है। तो बस मैं आज के लेक्चर में